थोड़ा एक सासू का बेचारे का जिसका साथ है हाँ। उसकी हालत भी फिर वैसी हो रखी है उसकी हालत से लग रहा है सेहत देख के लग रहा है कि उस सासू के साथ क्या होता था पहले खुद लग रही ये मगरमच्छ के आंसू आते हुए और ये है सबसे बड़ी मगरमच्छ ये आंसू आने दे रो कैसे रहे हो आप। तो गाइस एक बार फिर से इस घर को छोड़ के जाना पड़ रहा है अपने प्यारे घर को जहाँ से हमारी पहचान है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिम्पी ही लेके आई है गिफ्ट, डॉली ने भी कुछ बनाया हमारे लिए। ये देखो YouTube चैनल का इसने कीचेन बनाया, इस पे लिखा है हेलो गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल कुरियाल। और सुबह हो चुकी है, देखिए मेरे पीछे इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, बर्फीली हवा एकदम, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं बर्फ पड़ी होगी। भाभी से पूछते, भाभी कैसी ठंड लग रही है आपको? बहुत लग रही। खतरनाक वाली ना, देखो। तो जल्दी से करते हैं नाश्ता और नाश्ता करने के बाद जाते हैं ऊपर क्योंकि विदाई होने वाली होगी। विदाई शायद लेट होती है गाँव में, तो विदाई तक का वेट तो नहीं करेंगे हम क्योंकि हमें आज ही नई टिहरी पहुंचना है और कल दिल्ली। तो चलते हैं ऊपर, करते हैं नाश्ता, दिलवाते हैं सभी से आपको। और देख सकते हैं यहाँ बहुओं पर कितना अत्याचार किया जाता है हमारे घरों में। बहुएं बेचारी रोटियां सेक रही हैं, लगी पड़ी है। और ये यहाँ देखो त्रिमूर्ति, बना रोटी बना, 10-10 रोटी खा चुकी है और अभी खाने। एक तवे पे एक ही गर्म रोटी बन सकती है, पर ये तीनों मांग रही है, वरना कह रही बहू को किसी चिमटे से तेरे को डाम लगाएंगे। ठंडी रहेगी रोटियां, वो बहुएं खाएंगी, बासी भी बहुएं खाएंगी, हमें ताजा खिलाओ। ये देखो बासी और ठंडी बहुओं के लिए और यहाँ हद्दी और गरम का गरम इनके लिए। बहू लाई किस लिए, गरम गरम रोटी मिलेगी। ये देख लो, सुन लो, बासी खाइए ठंडी खाइए। अत्याचारी सारी ये जो दिल्ली में बनती है, मेरी बहू मेरी बेटियां है यहाँ गाँव आके। तो है सास, हम तो खाएंगे बहू की हाथ की रोटी। और अगर नहीं दी बहुओं ने तो फिर उनको नहीं आएगी सास। नहीं, वो ठंडी खाइए बासी खाइए ना खाइए, हमारे तो खाने का मतलब है। लगता है इसको गाँव ही छोड़ के जाना पड़ेगा। थोड़ा एक सासू का बेचारे का जिसका साथ है उसकी हालत भी फिर वैसी हो रखी है, उसकी हालत से लग रहा है सेहत देख के लग रहा है कि उस सासू के साथ क्या होता था पहले। कदम छूट गया। और ये जो तीन हट्टी कट्टी सासे हैं यहाँ, हम खतरनाक जरूर हैं पर हम झूठ नहीं बोलते। उसकी हालत भी इसीलिए ऐसी है कि इनसे पहले उसी पे अत्याचार। वो हम पे अत्याचार नहीं कर पा रहे, उसे पता है दर्द क्या होता है। वो साथ दे रही उनका, वो स्थिति से गुजर चुकी है, वो को अत्याचार नहीं देखती। और एक तो ऐसी है मेरी सीख सास, सीख वो देखो बाहर अंदर बाहर कर, यही हाँ चाची, यही तीन है ये जो हट्टी कट्टी है ना, ये इन्होंने ही उठा रखा है सर पे घर। ये देखो बेचारी, ये हंसते हंसते भी दर्द हो जाता है इन लोगों में। उनको पता है कि हंसी में अपना दर्द न छुपाए तो चिपटे की और बे लड़की भी कहा इनको कम से कम ये एक्सपीरियंस हो गया कि आगे की पीढ़ी कैसे चलानी हमने। इनको ये पता चल गया अपनी बहू से क्या करवाना है। अब हलवाई की जरूरत नहीं है हमें। कितना बदनाम हमने सहन करना, लोगों की क्या क्या कमेंट्स आती है। दो रोटी कम खानी थी, दबा के खाओ सारे, जाए कम से कम भागने ही जाएंगे। तो मतलब इस स्टोरी का मोरल ये है कि बेचारी बहुए सुबह से लगी पड़ी है थेपने में, बेलने में, सेकने में,
और ऐसा नहीं है कि अभी ये वीडियो अभी शायद 2 मिनट से देख रहे होंगे आप, लेकिन ये जो सासे हैं ये 2-2 घंटे से बैठी हुई है, ये तीनों बैठी हुई है। न बहुओं को अकल है, न जो सिखाने वाली सास है उनको अकल है। क्यों? सब्जी में नमक थोड़ा ज्यादा डालो, मिर्च ज्यादा, मिर्च ज्यादा डालो, ये कम कर। अब स्वाद भी बना रही। तो गाइज हम लोग हो चुके हैं तैयार और जा रहे हैं अभी ऊपर जहाँ पर विदाई होनी है। तो विदाई से पहले गोदान होता है हमारे में, पहाड़ियों को पता होगा, तो वही हो रहा है वहाँ पे। वहाँ पर दूल्हा दुल्हन को गिफ्ट्स दिए जाते हैं, उसी के लिए जाना है अभी हम सब ने ऊपर। तो चलते हैं ऊपर, मिलवाते हैं आपको दूल्हा दुल्हन से एक बार फिर से। और फेरों में तो हम नहीं जा पाए क्योंकि इतनी नींद आ रही थी ना, उनका फ़ोन भी आया कि आ जाओ शूट करना है, तो मैंने कहा अब सोने दो यार, बाद में तुम ही देख लेना, मेरे व्यूअर्स समझ जाएंगे कि फेरे हो गए होंगे। तो चलते हैं अभी और मिलवाते हैं आपको ऊपर। तो चलते हैं ऊपर, दिव्य भी तैयार। हेलो बुआ, कैसन बा बुआ, अरे बुआ इधर देखन बा, कहाँ नहीं देखते रहे। तो चलते हैं हम भी ऊपर, ठंड हो गई है यहाँ थोड़ी सी, इसलिए कैप पहननी पड़ी। और यहाँ देखो हटो 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 हटो, गायदान हो रहा है। फेरे देखे तुमने, देखे थे, सो गए थे तू भी? 6 बजे गए थे। हम भी सोए रहेंगे। हमारे दूल्हा जी, दुल्हन जी, नींद तो नहीं आ रही? आ रही है। चलो बस थोड़ा टाइम और फिर सोते ही रहना। और दिव्या सोच रही है कि 40-50 रुपए उसके बन जाए, इसलिए दुल्हन की खातिरदारी कर रही है। हाँ और क्या, बहुत तो है, इतने तो तूने लूट भी लिए होंगे कल बारातियों के साथ। हैं उड़ाए नहीं? हाँ देखे ही नहीं फिर तूने भाई, हमने तो इतने पैसे उड़ाए कि तो गाइज यहाँ पर हमारे गेस्ट आ चुके हैं, जानते हैं मम्मी से, मम्मी बताइए। ये हमारे गांव लिफार गांव के, हाँ जी, चंद्रशेखर पहनोले, मेरा भतीजा भी है और हमारे गांव के प्रधान भी है, और इनका परिचय इनसे होगा। तो ये है हमारे जो प्रधान संगठन के अध्यक्ष हैं, बड़े भाई लोकपाल कंडियाल जी। अच्छा। बड़ी बात है कि अभी अविवाहित है, मतलब हमारे बड़े भाई हैं और बहुत होनहार हैं, तेज तरार हैं, हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष हैं। अच्छा। मैं आपके सभी व्यूअर्स को प्रणाम करना चाहूँगा और आपको बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आप लगातार हमारी जो पहाड़ों की संस्कृति है, जो हमारा रीति रिवाज है, उस पर आप करते रहते हैं, हम भी आपको देखते रहते हैं, तो हम भी आपके फॉलोअर्स हैं। धन्यवाद। आज बड़ा खुशी हमें हो रही है कि इस अवसर पर हमारी बहन कविता की शादी है, उसके अवसर पर आपसे भी मिलना हो। हमारी बूढ़ी जी हैं जो हमारे स्वर्गीय दादाजी लक्ष्मी प्रसाद सुधारा सेनानी, हमें बड़े गर्व की अनुभूति होती है ऐसे महान विभूति से हमें भी मिलने का अवसर हुआ। धन्यवाद धन्यवाद। सबसे खुशी तो मुझे हुई कि मैं इसे आज इतने दिनों से इतने घुल मिल के मिली हूँ और इसने सबसे परिचय कराया, प्रधान जी के नाते भी और भतीजे के नाते भी। सबसे प्रधान तो गाँव के, मेरे तो भतीजे हैं, मेरे को बहुत खुशी हुई उनसे आज मिलना। गाइस ये देखो मेरा भाई क्या कर रहा है, और मेरी बीवी और मेरा भाई, ये देखो प्लानिंग इनकी, दूल्हा दुल्हन के पैसे चुराने की, दूल्हा दुल्हन के पैसे चुराने के लिए बैठ गए यहाँ। ये देखो कैसे इसने झपट्टा मारा, लिफाफे खाली लिफाफे करके 5-5 रुपए के सबको भेज रहे हैं, 5 का 1 5। और ये देखो चाचा चाची आते, फिर हम पानी वाला आपके यहाँ, ठीक है, आते हुए हम आ रहे हैं फिर पक्का। ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वरना बाद में एक और वीडियो बनेगी। देखो जिन्होंने बुलाया था उन्होंने खिलाया नहीं। आना ठीक है, सब लोग आना, पक्का पक्का। और बच्चे भी जा रहे हैं, जाओ चलो संस्कृति स्वीकृति बाय। और वो कहे, और ये देखो नागालैंड से आई है इधर, चलो बाय बाय, आते हम तुम्हारे घर अब, ठीक है जल्दी। हाँ टिकटॉक जैपनीज गुड़िया। तो जा रहे हैं यहाँ काफी लोग अब, तो हम भी निकल रहे हैं अभी यहाँ से। चलो वैवाहिक जीवन अच्छे से बीते तुम्हारा, और तुम्हारा भी, चलो ठीक है। और चाचा जी बहुत मतलब आनंद आ गया शादी में, काफी अच्छे, और आपको बहुत बहुत बधाई हो। आप ही लोगों का स्नेह है, प्यार है, भाई साहब का आशीर्वाद है, और
ऐसे ही परिवार में कार्यक्रम होते रहे, गांव में कावर आपकी उपस्थिति हर बार दर्ज होते रहे, मेरी यही शुभकामनाएं। और हमारे साथ साथ मेरे जितने व्यूअर्स हैं सभी ने आशीर्वाद दिया है। तो यहाँ से हम विदाई लेते हुए अब चाचा चाची चाची गए। अच्छा चाची बाय चाची। अच्छा अच्छा उधर जा रहे हम, रोले थोड़ा सा रोले रोले रोला रोला अच्छे से रो, आंसू तो आने दे, झूठ मत बोलो। खुद लग रहे बहन बहन इतनी आ रही है। ये मगरमच्छ के आंसू आते हुए, और ये है सबसे बड़ी मगरमच्छ, ये आंसू आने दे, रो कैसे रहे हो आप? बुड्ढी जा रहे हम, ये देखो मेरी बुड्ढी बुड्ढी रो ना, आंसू तो खुद लगने में अभी तो जा गए भी नहीं, अभी से खुद लग रही है। यहाँ जा रो रही है मेरी बुड्ढी, मेरी प्यारी बुड्ढी है। गिची भी हूँ गिची। ये देखो गाइस हमारे लिए चाचा ने क्या रखा हुआ है। चाचा आना जरा बाहर दिखाना क्या ये इसके अंदर है। ये देखो आहा, गांव के बढ़िया बढ़िया माल्टे, ये देखो खतरनाक माल्टे, ये खाएंगे अभी हम। और ये इसकी डिमांड थी, माल्टे दे लो, कोई माल्टे मिल भी गए। ये देखो गाइस ये चोरी कर रही है और ये पिटवाएगी, जिसका ये डाला है ना मैंने सुना बड़ा खतरनाक है वो। दिव्या बस कर, अरे ओ ओ पागल, ये देखना कितने सारे तोड़ दिए, 5-7 बस कर इधर दे, ये देख अपने आप ही आ गया, ये ले ओए ओए मस्त। वो देखो इसने और मार ली, ओए अच्छा। ये देखो शुभम हमारी मदद करते हुए चोरी में, ये ऐसे डंडा मारो तो ऐसे माल्टे नीचे आते हैं अपने आप। ये देखो क्या मस्त मस्त माल्टे, बस कर बस, बहुत है भाई बहुत है। हैं क्या अभी खाऊंगी मैं अभी, अरे भास्कर भाई ये देखना, वाह वाह ये देखो चोरी कौन करवा रही है, माई चोरी करवा रही है, कह रही तोड़ मेरे बेटे सवाल। और यहाँ मस्त राजमा चावल फिर से। तो गाइस हम लोगों ने यहाँ राजमा चावल खा लिए, कैसे थे राजमा चावल तेरे, मजा आया ना? और रायता तो बहुत ज्यादा टेस्टी था, वैसे मेरे को खांसी हो रही है लेकिन यहाँ का रायता बहुत टेस्टी है। और इसमें और माल्टे चुराने में तो और ज्यादा मजा आया, तो अभी हम निकलते हैं यहाँ से नीचे टीरी गिरे और फिर मिलवाते हैं दीदी से आपको। बाय बच्चों, इधर देखो बाय करो सारे, बाय बाय बाय, मिलेंगे फिर से। तो ये हमारे गाँव का भविष्य है, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, और ये अभिनव जो कि बहुत ही प्यारा बच्चा है और जब से मैं आया हूँ तब से मेरे साथ ही है। बाय अभिनव, सबको बाय। और ये देखो मुंह छुपा रहा है जो ये लड़का, यह है भाई हमारा बड़ा प्यारा सा, और कह रहे हैं कि भैया हमारे होते हुए आप लोगों को बैग उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम नीचे लेके जाएंगे ये बैग। तो हो चुके हैं यहाँ सब तैयार, अभी जा रहे हैं हम बुआ के यहाँ। तो गाइस एक बार फिर से इस घर को छोड़ के जाना पड़ रहा है, अपने प्यारे घर को जहाँ से हमारी पहचान है, और सभी लोग मिलते हुए एक दूसरे से, हम और उत्तरकाशी वाले चाचा लोग तो बुआ के यहाँ जा रहे हैं, चाची को सब बाय बोल रहे हैं। सीना कह रही है कि मैं भैया को छोड़ने नीचे तक आऊँगी, ये कह रही भैया के बिना मेरा मन नहीं लगता है ना, हाँ बोल हाँ। और ये हमारा कुली नंबर 2, क्योंकि मेरी हालत अभी कुली नंबर 1 वाली है, तो मैं कुली नंबर 1 हूँ। ये देखो और पीछे भी बैग टांगा हुआ है, थक गया मैं। तो गाइस यहाँ छोड़ के जाते हुए सीना को बहुत अजीब सा लग रहा है, कह रहा है भैया रोना भी आ रहा है, पागल है क्या, पागल है पागल है, पीठ में मुक्का किसने मारा। चलो भाई लोगों बहुत बहुत धन्यवाद, ये हमारे छोटे छोटे भाई भगवान दास, और सब जाते हुए 2 दिन बिताने के बाद हम लोग अब गांव से जा रहे हैं अपने घर की ओर। तो पहला स्टॉप हमारा होने वाला है राहुल की बुआ जी के घर, तो उनसे भी हम मिलेंगे और रात लेदा उसके बाद हम जाएंगे न्यू दिल्ली। और गाइस हम निकल चुके थे बुआ के घर से
4:30 और 5:30 हम यहाँ डोबरा चाटी पुल पहुँच गए हैं, लेकिन यहाँ अभी लाइटिंग्स वगैरह कुछ नहीं है, तो हम सोच रहे हैं यहाँ रुक के टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि जल्दी से घर पहुँचा जाए, क्योंकि वहाँ बच्चे भी वेट कर रहे हैं, दीदी भी वेट कर रही है, तो वहीं जाके आपको मिलवाएंगे दीदी बच्चों जीजू सबसे। तो चलिए हमारे साथ। और गाइस पूरे 2 घंटे के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं अपनी अपने बच्चों के पास, जो कि, और तुम्हें पता है बच्चे सब कह रहे थे व्यूअर्स की ना हमें बहुत प्यारे लगते हैं ये बच्चे, और मैंने सबसे ज्यादा अरे मैं डिसाइड करूंगा सबसे ज्यादा प्यारा है अर्णव नहीं डॉली। इसी बात में लेके तू क्या दे रहा है तब मैं तेरी तारीफ करूँ। तो हम पहुँच गए हैं यहाँ और ये हमें ऊपर लेने आ गए हैं, और अब हम चलते हैं नीचे जहाँ दीदी कर रही है हमारा वेट, और दीदी ने आज हमारे आने पर बनाया कुछ स्पेशल, देखते हैं क्या बनाया। वीडियो में अर्णव ने बताया था कि यूट्यूब पर बोलती है नानी, आज ये क्या है नानी? ब्रूस। ये क्या? ब्रूस। 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 और ये देखिए आ चुके हैं हम फिर से ठंड में वापस, और नमस्ते दीदी, ये गंदी सी शक्ल फिर से आपको देखने को मिल रही है, ये गंदी गंदी शक्लें देखने को मिल रही है, उसके लिए सॉरी मेरे व्यूअर्स को। अब मेरा भांजा स्मार्ट नहीं है तो मैं क्या करूं, इन मोटे ने अभी तक पहन, और ये गंदी शक्ल, एक और प्यारी गंदी शक्ल, ये लो आपके लिए, रुक जाना। और ये मेरा प्यारे प्यारे बच्चों के पास हम लौट आए हैं। दीदी क्या बना रहे हो यार? सबसे पहले तो ना अदरक वाली चाय भरता, आहा भरता बना के रखा है दीदी ने आज, और ये जो है दीदी को पता है कि भाई को चाय चाहिए ही चाहिए। क्या चाहिए भाई को? क्या चाहिए? चाय। तो चाय बननी चाहिए अदरक वाली। चाय 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 पी लो गाइस। हेलो गाइस, चाय पी लो। ये देखो ये है अमृत, इस समय ठंड में तो चाय अमृत का काम करती है, और अदरक वाली हो तो ओए होए अमृत के ऊपर एक और अमृत, मजा आ गया। तो यहाँ दिव्या अर्णव को पढ़ाते हुए, क्योंकि इसका कल एग्जाम है, तो अर्णव अगर कल फेल हुआ ना तो दिव्या मामी पे डाल दे सब कुछ। नहीं नहीं, हार्ट सिखा रही है इसको, हार्ट बनाना पाइप वाला, अगर ये वाला नहीं आया ना तो पीटियो घर आके मामी को। और गाइस भरता तो मैं आप लोगों को दिखा चुका था, लेकिन साथ ही साथ मटर पनीर और रायता भी बनाया हुआ है देखो। तो हम खाते हैं जल्दी से खाना, और आज हम अंदर ही खा रहे हैं क्योंकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का चल रहा है मैच, तो हमने सोचा क्यों ना टीवी देखते देखते खाया जाए खाना। ये देखो ये दोनों बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए हमेशा की तरह बाद में, और यहाँ हीटर भी लगा दिया है क्योंकि नई दिल्ली में ज़्यादा ठंडा है बहुत, और हम लोग खेल रहे हैं यहाँ कैरम। तो गाइज लास्ट टाइम जब हम आए थे अर्णवरों के घर, तो आपने देखा था डिम्पी ने बहुत अच्छे स्केच बनाए थे, हमने उसकी सारी ड्राइंग्स, रुक जाओ हमने डिम्पी की बहुत सी ड्राइंग्स आपको दिखाई थी, बहुत से कमेंट्स भी हमें आए थे कि डिम्पी बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, तो हमें पता नहीं था, बट डिम्पी अभी आई है और वो बोल रही है कि मैंने आप दोनों के लिए भी कुछ बनाया है, दिव्या और मेरे लिए, और कह रही है कि ये आपकी एनिवर्सरी गिफ्ट है, सेकंड एनिवर्सरी गिफ्ट जो कि बहुत जल्दी आने वाली है, और पहला गिफ्ट इस साल का पहला गिफ्ट। तो पहले तो डिम्पी इधर आ, तो ये है डिम्पी। डिम्पी किसी ने बोला था तुम्हें इस गिफ्ट को देने के लिए हमें, या तुम अपने से बना के लाई हो? आंटी ने बोला था। दीदी ने? मैंने ये कहा उनकी एनिवर्सरी आ रही है, तो इसने कहा कि आंटी फोटो भेज देना बना की और मैं स्केच बनाऊंगी, और ये लेके आई है मेरे और दिव्या का स्केच बना के। तो इसने जब हम गांव गए ना, इसने दीदी को बोला कि ना उनकी एक फोटो दे दो, तो दीदी ने कौन सी फोटो दी है पहले वो मैं आपको दिखाता हूँ, और उसके बाद वो स्केच कैसे बनाया वो भी आपको दिखाते हैं, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि डिम्पी ने कैसा बनाया वो। तो गाइज ये देख सकते हैं, ये है वो फोटो जो डिम्पी लेके गई थी, आप लोगों को दिख रहा होगा ये देखिए। तो ये मेरी और दिव्या की फोटो है एंगेजमेंट के बाद की, तो इस फोटो का इसने स्केच बनाया है, और अब ये देखो ये देखो ये है कि वो आर्टिस्ट है, तो उसे पता है कि मैंने कहीं पे कुछ मिस्टेक करी है, अभी उसकी उसकी एज है ना, हाँ इसे पता है, लेकिन वो कह रही है कि मामा अगली बार मैं आपके लिए और अच्छा बनाऊंगी। पर आप ये देखो ना ये कितना कितना परफेक्ट है और कितना क्लोज है, पहचान पा रहे हैं कि हमारा ही है, ये हमारी ओरिजिनल फोटो, और ये
डिम्पी ने जो बनाई हमारा स्केच बनाया। वाह। और मैं ये भी बताना चाहूंगी कि मेरे बर्थडे था बर्थडे पे मेरे को भी डिम्पी ने मेरा स्केच बना के दिया था। अच्छा वो कहाँ है डार्लिंग? कहाँ है डार्लिंग? बहुत सुंदर। बहुत सुंदर डिम्पी, ये थैंक यू। तालियां बजा दो यार डिम्पी के लिए, सारे तालियां बजाओ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिम्पी ही लेके आई है गिफ्ट, डॉली ने भी कुछ बनाया हमारे लिए। ये देखो यूट्यूब चैनल का इसने कीचेन बनाया, इस पे लिखा हुआ है कुछ राहुल कुरियाल यूट्यूब। मैं आगे से दिखाता हूँ, ये देखिए इसमें लिखा हुआ है राहुल कुरियाल यूट्यूब और आई लव यूट्यूब। और ये बनाया है मेरी प्यारी सी नोटी सी छोटी सी घटिया गंदी बेवकूफ सी प्यारी सी। और भाई सुनो एक बात और कि इन दोनों आर्टिस्टों के बीच में हम दीक्षु को इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि दीक्षु इन सबसे छोटी और इन दोनों से सीख रही है और ये भी प्रॉमिस करती है कि ये भी बनाएगी, मेरे लिए भी बनाएगी, हमारे लिए तो देती रहती कुछ ना कुछ बना के मेरे आगे बनाएगी ना हमारे लिए, तो मामा मामी के लिए सीख रही है अभी छोटी है ना। तो डॉली, तो डॉली का और डिम्पी का गिफ्ट तो हमें मिल चुका है। तो डिम्पी बहुत प्यारा गिफ्ट दिया तूने मामा मामी को, मेरे को तो देख के इतना अच्छा लग रहा है ना। और मेरी आंखें इतनी काली है क्या? हमारी आंखें देख कितनी काली कर दी थी मम्मी। कैसा लग रहा है? बहुत ही प्यार बनाया मेरी बच्ची ने, मतलब जितनी उसकी एज है उससे बढ़ करके, बहुत आगे बढ़ करके उसने बनाया है। और आगे मेरी बेटी जब वो बड़ी होगी तो सोचो तब क्या करेगी, जब इतनी एज में वो कर रही है, अभी 7th क्लास में है ये, तो ये स्केच आर्टिस्ट भी बन सकती है। देखो मम्मी कह रही है स्कूल खोलूंगी कभी आगे। और चाची आप बताओ कैसे बनाया? बहुत अच्छा बनाया, बहुत प्यारा बना रखा मेरे बच्चे, इतनी छोटी छोटी बच्ची है, बहुत अच्छा बना रखा। और ये देखो जो हम बता रहे थे कि पूजा दीदी को भी दिया था इसने, तो ये है पूजा दीदी का स्केच और बर्थडे पे दिया था इसने, हैप्पी बर्थडे पूजा दीदी। आप लोगों को पता चल रहा होगा, वोरी देखो, वोरी मेरी दीदी। और ये बनाया है, और ये उस दिन दीदी ने बिल्कुल पिंक कलर की लिपस्टिक लगा रखी थी इसलिए इसने बनाई है ना, इसीलिए ये देखो। तो बहुत अच्छा डिम्पी, वेल डन वेल डन। ये पहाड़ी डोली भी बनाई है डिम्पी ने, ये देखिए चंद्रबदनी की डोली देखो, ये भी बनाई है इसने। और किस किस चीज से बनाई है डिम्पी, इसका खुद बताएगी क्या 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 यूज करा है तूने इसमें? ये पेपर है हाँ, और ये बॉटल का कैप है, ग्लू का ढक्कन, नीचे कार्डबोर्ड से कार्डबोर्ड, और ये वो जो बैच नहीं आते जो बैच आते हैं हाँ। देखो क्रिएटिविटी देखो भाई बंदी की, बहुत बढ़िया। एक बार फिर से तालियां हो जाए डिम्पी के लिए, बहुत बढ़िया डिम्पी। बच्चों ने तो गिफ्ट्स भेजना शुरू कर दिया है, अब आप भी भेज दो, पेटीएम स्कैनर में लगा दूंगा, पेटीएम नंबर भेज दूंगा आप लोगों को, भेज दो हमें। अच्छा होगा कि आप शेयर करें इसको, हाँ वही हमारा गिफ्ट, वही हमारा गिफ्ट है, आप लोग शेयर करो, शेयर करें इनको और ज्यादा बढ़ाएं आगे, आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। हाँ तो आज दीदी के आके हमने मीठा बीठा सब खा लिया और उसके बाद ही गिफ्ट भी मिल गया, मजा आ गया हमें। और इस मोटे ने कोई गिफ्ट नहीं दिया, इसका गिफ्ट ये है कि ये बस पतला हो जाए, अगर ये पतला हो जाएगा तो हमारे लिए गिफ्ट हो जाएगा। इसका गिफ्ट है कि ये सैनिक स्कूल में जो एग्जाम दे रहा है ना उसमें निकल जाए और ये डायरेक्ट सैनिक स्कूल में जाए। गाइस ये था हमारा आज का व्लॉग, अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय।